नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में क्या है। आज हम सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम खगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र के बारे में कुछ जानेंगे, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसकी शुरुआत महान खगोल शास्त्री टोलेमी ने सन 101 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य और दूसरे ग्रह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इनकी यह थ्योरी बहुत शताब्दी तक जस का तस चलता रहा, लेकिन सन 1500 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने अपने प्रयोगों द्वारा ये बताया कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में ना होकर सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है तथा हमारी और सभी ग्रह उपग्रह और सभी आकाशीय पिंड अपने अपने सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सन 1950 में केपलर ने यह बताया कि पृथ्वी तो सूर्य के चक्कर लगाते ही हैं, साथ ही साथ और भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बाद में गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। सन 1687 न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर बताया कि सभी आकाशीय पिंड के पास एक आकर्षण बल है, जिसे हम न्यूटन के प्रमेय के नाम से जानते हैं। यह बल दो पिंडों के बीच के भार के गुणनफल के समानुपाती होता है और इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यूं कहें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² से गणना करेंगे। न्यूटन के मुताबिक अगर दो पिंड जिसका मास या वजन या भार m और m2 हो, तो इसके बीच लगने वाले फोर्स की गणना m1 m2/r² से करेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण खोज थी। न्यूटन के मुताबिक पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है तथा इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसके बाद न्यूटन ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले न्यूटन के द्वारा दिया गया जो थ्योरी था उसका नाम था क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी इसके अनुसार किसी भी स्थायी अथवा गतिशील माध्यम में फिजिक्स के नियम नहीं बदलेंगे, मतलब स्थान और समय जैसे का तैसा रहेगा। अगर इसको साधारण शब्दों में समझें तो पता चलता है, अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हुई ट्रेन में भौतिकी या भौतिकी से जुड़े कोई प्रयोग कर रहा है तथा वही प्रयोग कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर कर रहा है, तो दोनों का निष्कर्ष में न्यूटन के मुताबिक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह नियम 19वीं शताब्दी के अंत तक बिना किसी चुनौती का चलता रहा, लेकिन सन 1905 आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन के थ्योरी को हिला के रख दिया। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो भागों में बांटा गया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फिर से तीन भागों में बांटते हैं। पहला रिलेटिविटी ऑफ टाइम, दूसरा रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और तीसरा रिलेटिविटी ऑफ मास। इसी रिलेटिविटी मास को E=mc² कहा जाता है, जिसकी सहायता से परमाणु बम या यूं कहें तो एटम बम का संरचना किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिविटी ऑफ टाइम। रिलेटिविटी ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि अगर समय को धीमा कर दिया जाए तो कोई भी आदमी टाइम ट्रेवल कर सकता है। यानी इसको साधारण शब्दों में समझा जाए, अगर कोई आदमी एयरक्राफ्ट पे बैठा हो और उस एयरक्राफ्ट की स्पीड यानी चाल लगभग 3000 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि प्रकाश के चाल के बराबर या प्रकाश के चाल के लगभग, तो अगर वह आदमी स्पेस में एक साल तक चक्कर लगाता हो तो पृथ्वी पर करीब करीब तब तक 100 साल निकल जाएंगे। इस प्रयोग को नासा ने भी आजमाया
और उन्होंने पाया, यानी नासा ने 1977 ईस्वी में रिलेटिविटी ऑफ टाइम के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने अपने एक सैटेलाइट में ऑटोमेटिक घड़ी को सेट किया। जब सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगाया और वापस अपने स्पेस स्टेशन पर आया तो पता चला कि घड़ी का स्पीड पृथ्वी पर चलने वाले घड़ी से धीमा हो गया था। यानी इससे पता चलता है कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम सही है, लेकिन हम मानव हैं और साधारण मानव, हमारे मस्तिष्क इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई भी आदमी टाइम ट्रेवल कर सकता है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे रिलेटिविटी ऑफ स्पेस और रिलेटिविटी ऑफ मास। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। याद रखें दोस्तों, आप जिस विषय पर कमेंट करेंगे उसी विषय पर मैं वीडियो डालूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।